In this part, I will discuss the structure of human heart and the structure of ventricle. In the previous lecture, I have discussed about the structure of auricles, and in this part, I will discuss about the structure of ventricles. Structure of ventricles. Lower chamber of heart is called ventricle. In between the auricle and ventricle, a partition is present which is known as auriculoventricular septum. This is auriculo or atrioventricular septum. Auriculoventricular septum. In between the ventricles, a partition, another partition is present which divides the ventricle into right and left half. This partition is called interventricular septum. This partition is called interventricular septum. On this auriculoventricular septum, an aperture is present on both right and left side. This aperture opening is guarded by three cusps. These are called tricuspid valve. These are tricuspid valve, and the aperture which is present on the left ventricle and the left atrium is again guarded by two valves, two cusps which are known as bicuspid or mitral valve. Bicuspid or mitral valve. This is interatrial septum. This is right atrium, and this one is left atrium. Through this aperture, blood enters in the corresponding ventricle from right atrium to right ventricle and from left atrium to left ventricle. So this aperture helps in passage of blood from right to right ventricle and left atrium to left ventricle. This tricuspid and bicuspid valve. This tricuspid and bicuspid valve ये वेंट्रिकल है और ये वेंट्रिकल का वाल का थिकनेस है और वाल वेंट्रिकल के वाल में जो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस है वो अधिक है. लेफ्ट का थिकनेस राइट की तुलना में अधिक है क्योंकि थिकनेस यहाँ पर ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये मसल्स ये हार्ट के वाल के थिकनेस के मसल्स हैं. कुछ मसल्स यहाँ पर छोटे छोटे और कुछ मसल्स यहाँ पर बड़े बड़े हैं. जो बड़े मसल्स हैं वो बड़े मसल्स का नाम है पैपिलरी मसल्स. दीज आर पैपिलरी मसल्स. और इस पैपिलरी मसल्स से कुछ कोलेजन के प्रोटीन फाइबर निकले हैं जो इस वाल्व के कस्प के साथ जुड़े. कस्प मतलब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ये जुड़े हैं. दीज कोलेजिनस प्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड कॉर्डिटेंडिनी. दीज आर कॉल्ड कॉर्डिटेंडिनी. और यहाँ पर आपको याद होगा एबीएन प्रेजेंट था जहां से एबी बंडल निकला था और ये एबी बंडल इस वेंट्रिकल के बीच से होकर जाता है और ऐसे चारों तरफ से वेंट्रिकल को कवर करता है. जहाँ पर निकलता है इस जगह पर इसको एबी बंडल कहते हैं. इसी फाइबर को इसी मसल फाइबर को बंडल ऑफ हिप्स भी कहते हैं. और जब ये लेफ्ट और राइट हाफ में डिफ्रेंशिएट होता है किसी को पुर्किंजे फाइबर भी कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर इस वाल्व इस अपर्चर और इस कस्प का फंक्शन क्या है. जब राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो जाती है साइमल्टेनियसली ये दोनों ब्लड से फिल होता है. कहाँ से याद होगा राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल करता है. इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है और लेफ्ट एट्रियम में चार पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल करता है. तो जब यहाँ पर ब्लड की फिलिंग हो जाती है तो ये ऐसे एन इम्पल्स जनरेट करता है जिसके कारण ये पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है क्योंकि ये पूरा इसके आसपास में ये मसल फाइबर्स है जो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करता है. ये कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स ग्रेजुअली यहाँ पर
एवियन के पास आता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड से फिल्ड है, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड इस ओपनिंग से होकर जहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुल जाएगा वाल्व, और ब्लड अपने वेंट्रिकल में आ जाएगा। ब्लड से भरा हुआ इसको दबाना शुरू करेंगे तो ये वाल्व खुलेगा और ब्लड यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड की फिलिंग होगी, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। एससीएन ने जो इम्पल्स जनरेट किया, एससीएन जनरेट्स इम्पल्स इम्पल्स फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रियम एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ये कहलाएगा एट्रियल सिस्टोल। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रेक्शन में जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तब तक ये इम्पल्स इस एवीएन तक आ जाएगा। अनदर नेवल टिश्यू यहाँ पर एवीएन का एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये एसएल साइनो एट्रियल नोड है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऐसे हमको पेसमेकर कहते हैं, या इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। हार्ट ऑफ हार्ट इसलिए क्योंकि हार्ट इसी के कारण हार्ट बन सकता है, इसी के कारण ये पंपिंग ऑर्गन बनता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इम्पल्स जनरेट नहीं करता, लेकिन जो इम्पल्स इसने क्रिएट किया है उस इम्पल्स को ये रिसीव करता है और उसको एवी बंडल बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइबर से होकर दोनों वेंट्रिकल में स्प्रेड कर देता है। तो ये स्प्रेड्स द इम्पल्स टू बोथ द वेंट्रिकल ये क्या करेगा, दोनों वेंट्रिकल में इम्पल्स को स्प्रेड कर देता है। इसलिए एवीएन को कॉमनली कहते हैं पेस सेटर। एवीएन इज कॉमनली नोन एज पेस सेटर। अब जब वेंट्रिकल में ये इसका ब्लड इसमें आ जाएगा तो ये ब्लड से फिल्ड हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि इसका ब्लड यहाँ पर आ गया, तो ये रिलैक्स हो गया, इसमें ब्लड की फिलिंग हो गई। तो ये अब इसमें इम्पल्स एवीएन के कारण जो फाइबर है ये इसके कारण इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स जनरेट होगा तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये ब्लड हो सकता है कि वापस हमारा फिर से दोनों एट्रियम के अंदर चला जाए। तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये कस्प लगे हैं। जैसे ही ब्लड वापस जैसे ही ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से जस्ट पहले क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व साइमल्टेनियसली क्लोजेस टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये अगर बंद हो गया तो इसके बंद होने से क्या होगा, इसके बंद होने से अब ब्लड इसमें नहीं जाएगा, और ब्लड अगर इसमें नहीं जाएगा तो पिछले डायग्राम में आपने देखा था कि इस राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट से निकलता है सिस्टेमिक एओर्टा, है ना। तो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है और जहाँ पर सिस्टेमिक एओर्टा की ओपनिंग है, दोनों ओपनिंग को गार्ड करने के लिए यहाँ पर और भी एक वाल्व प्रेजेंट है, जो वाल्व पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा की ओपनिंग पर प्रेजेंट है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रहा है, राइट एट्रियम से,
एंड सिस्टेमिक ये होता, सिस्टेमिक ये होता लेफ्ट एट्रियम से। तो इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए दोनों साइड में 3 कस्प्स प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमी लूनर, दीज आर कॉल्ड सेमी लूनर वाल्व। दोनों साइड में वाल्व का नाम सेम है, सेमी लूनर वाल्व। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इज वेंट्रिकुलर सिस्टम। सबसे पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व साइमल्टेनियसली क्लोज करेगा ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। इसके कारण साइमल्टेनियस क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, दिस साउंड इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड और लब साउंड। इसे भी किसी पेशेंट का अगर हम लोग मूवीज में देखते हैं तो डक 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 सी आवाज आती है, इट इज टू साउंड, फर्स्ट इज लब साउंड एंड सेकेंड इज डब साउंड। तो यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से फर्स्ट हार्ट साउंड बना जिसको लब साउंड कहते हैं। अभी जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो ये सेमी लूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ का ब्लड इधर और यहाँ का ब्लड इधर, यानी ये यहाँ पर कैसा ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड था तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेंट्रिकल, इसमें पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये गया सिस्टमिक एओर्टा में, और सिस्टमिक एओर्टा से कहाँ जाएगा सेल्स में, और ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा लंग्स में। फिर से इसका ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेशन के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड यहाँ पर जर्क से निकल कर इसमें गया और इसमें गया, अब यहाँ का ब्लड फिर से वापस इसमें ना आ जाए, इसलिए ये सेमी लूनर वाल्व यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, सिस्टोल रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जब होगा तो उसको कहेंगे डायस्टोल, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। तब रिलैक्सेशन के दौरान ये दोनों सेमी लूनर वाल्व फिर से क्लोज होंगे, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो यहाँ जो ब्लड गया है ये वापस फिर से वेंट्रिकल में आ सकता है। तो फिर से ब्लड को वापस आने से रोकने के लिए बोथ द सेमी लूनर वाल्व क्लोजेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इट प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड विच इज डब साउंड। इट प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड, हार्ट साउंड विच इज डब साउंड। तो ये डब साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये हमारा डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे हार्ट हमारा वर्क करता है कैसे, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर एट्रिया हमारा रिलैक्स करता है, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स करता है। तो ड्यूरिंग हार्ट, ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ हार्ट अ साइक्लिक प्रोसेस अकर्स, ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ हार्ट अ साइक्लिक प्रोसेस अकर्स विच इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। इस कार्डियक साइकिल में हमारे पास क्या होता है, तो इस कार्डियक साइकिल में हमारे पास पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, फिर ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में शो करें, एट्रियल सिस्टोल के बाद ये ऑटोमेटिक डायस्टोल में चला जाएगा, यानी कॉन्ट्रेक्शन के बाद ये रिलैक्स करेगा तो ये डायस्टोल में चला गया। तो एट्रियल सिस्टोल हमारे पास 0.1 सेकेंड्स तक होता है। फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकेंड्स तक होता है, और इसके बाद हमारा ज्वाइंट डायस्टोल है, ज्वाइंट डायस्टोल हमारे पास 0.4 सेकेंड्स तक होता है, यानी
1 सेकेंड के बाद ये डायस्टोल में चला गया, 0.3 सेकेंड के बाद ये भी डायस्टोल में चला गया, रिलैक्सेशन में चला गया, और इस वक्त दोनों ही रिलैक्स कर रहा है, ये भी रिलैक्स कर रहा है और ये भी रिलैक्स कर रहा है। तो हमारे पास कार्डियक साइकिल यानी हार्ट का एक बार पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड से। दिस इज कार्डियक साइकिल और फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या देखा, 4 चैम्बर्ड हार्ट था, एट्रिया और वेंट्रिकल था। व्हाई ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड क्यों है हमारे हार्ट में, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बिकॉज इन मैमल्स, ह्यूमन बींग इज मैमल, बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग इज हाई, सो टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। अपर चैम्बर इज राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लोअर चैम्बर इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल एन एपर्चर और पार्टीशन इज प्रेजेंट विच इज ऑरिकुलो और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑन विच टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट विच कनेक्ट्स राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। दीज ओपनिंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ट्राइकस्पिड वाल राइट एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल साइड एंड बाइकस्पिड वाल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइड। This valve is attached to the ventricular valve with the help of collagenous protein fiber which is known as Corti tendon. It regulates opening and closing of tricuspid and bicuspid valve. Clear? When blood is filled in both the atrium, right atrium and left atrium, right atrium is filled with deoxygenated blood and left atrium is filled with oxygenated blood. Then SAN present in right atrium starts impulse generation due to which the heart starts contraction, atrium starts contraction. Contraction of atrium is called atrial systole. It occurs for 0.1 seconds. After systole, blood enters in the corresponding ventricle and atrium relaxes. When blood enters in ventricle, AVN spreads the impulse to both the ventricle due to which ventricular contraction starts, but before the ventricular contraction, tricuspid valves and bicuspid valves simultaneously closes to prevent the backflow of blood in the respective auricles. Simultaneous closure of tricuspid and bicuspid valve produces first heart sound which is called love sound. After that, ventricular contraction or ventricular systole starts. It occurs for 0.3 seconds. In this contraction, the blood is pumped in pulmonary artery and systemic aorta which arises from the right and left ventricle respectively. The opening of pulmonary artery and systemic aorta is guarded by 3 semilunar valves. Hence, when blood is pumped in the systemic aorta and pulmonary artery, both the semilunar valves present on both the side of ventricle simultaneously closes. This simultaneous closure of semilunar valves produces second heart sound or dove sound. It is also to prevent backflow of blood from aorta to ventricle. Pulmonary artery transports deoxygenated blood to lungs and systemic aorta transports oxygenated blood to body cells. In the lungs, again oxygenation occurs and again the oxygenated blood comes in the left atrium and deoxygenated blood comes in the right atrium. So the cycle is repeated in this way. This cyclic process or functioning of heart is called cardiac cycle. During cardiac cycle, atrial systole, ventricular systole and a joint diastole occurs. Atrial systole means atrial contraction and after that it enters in relaxation stage, that is diastole stage, and ventricular systole means ventricular contraction, after that it enters in relaxation state. So joint diastole means both atrium and ventricle is relaxing and one cardiac cycle is completed in 0.8 seconds. Okay.